What's up, baby? ये बढ़िया था, ये सही था। वालेकुम, कैसे हो आप सब? आप देखो मेरा यूट्यूब चैनल एस द ब्लॉग्स। वेलकम सबको मेरे नए और एक वीडियो में। अरे अभी नाउ क्या ले भाई? बढ़िया बढ़िया भाई, क्या हो गया बीटीआर? हेलो भाई, कैसे भाई? एक ही घंटा लग गया हम तो दिल्ली में ना, कहीं जाना होता था कहाँ नहीं छुट्टी के होते मैंने कुछ अच्छा काम किया तो वैसा काम और करो, क्योंकि जब मैंने स्कूटी पर करी थी लोगों ने बहुत डिसलाइक करा, इंजन नहीं बन जाएगा तो बच्चा है पीछे क्या हुआ, तो मैंने फिर वही करना चालू कर दिया सर। यहाँ चले गया वहाँ चले गया, मजा उसी में, बस मतलब जहाँ ज्यादा डिसलाइक है ना वो काम करो, क्योंकि चल रही है वो लोग भी तो देख रहे हैं ना, तो वो चीज लोगों को पसंद भी आ रही है और वो डिसलाइक भी कर रहे हैं। अंदर सब बीटीआर फैमिली तो दुख जो हमारे साथ हो रहे हैं वो बांटेंगे तभी तो हमारा कम होगा। जैसे कोई बंदा नेगेटिविटी में है, अगर हम उसको मोटिवेट नहीं करेंगे तो चल नहीं पाएगा, वो गाड़ी रुक जाएगी, समझ रहे हो? तो लोगों के मैंने कमेंट्स भी पढ़े उस वीडियो में, उससे पहले भी कैसे नहीं हो पाएगा, दिन जा ये कर वो कर, गिर गया चल कर बॉर्न टू राइड, गिर गया फिर वापस आ गया, करने के बाद पता चलता है कि तुम्हारे मन पे और तुम्हारे शरीर पर क्या बीत रही है। अगर एक बार तुम्हारा एक्सीडेंट होता है रोड पे, उसके बाद तुम मजा लेके उठ के बैठ जाओ, फिर बैठ ही जाओगे, ये नहीं कि तुम 400 किलोमीटर वापस चले जाओगे चला के। वो बंदा कौन था जिससे आपने बात की थी? आपका दोस्त मेरा फ्रेंड है, बम बन जाएगा। अच्छा भाई, मेरा एक सवाल है, मैं असम से हूँ, असम से चलो भाई। अच्छा मतलब मेरा एक सवाल है जो आप लेकिन बंगाली असम में अपर असम जो गुवाहाटी एरिया वो है असम ईस्ट, और टाउन असम वो है बराक बिली, वो है मतलब बंगाली बंगाली बोलते हैं। लेकिन आपका जो पहला 4-5 वीडियो है यूट्यूब का, वो लोग वो आप मतलब फेस नहीं दिखाए, सिर्फ मोटर ब्लॉगिंग कर रहे हो, सिर्फ बात ही करते जा रहे हो। आपका जो स्टार्टिंग का जो 4-5 वीडियो है उस समय जब आप फास्ट कैमरा के सामने मोटर ब्लॉगिंग वो ठीक है, वो तो सही है, लेकिन जब आप कैमरे के सामने बात शुरू किए तब आपको मतलब उस समय कैसा था? मतलब कैमरे के सामने हर कोई तो आसान नहीं था। पहले फोन से करता था तो अभी मैं किसी को सामने देख रहा हूँ, स्क्रीन में देख रहा हूँ, मतलब कैमरे में तो अभी मैंने मेरे ख्याल 6-7 महीने हुआ है कि मैं स्क्रीन खोलता ही नहीं, जैसे बाकी कैमरों में स्क्रीन होती है ना, कि इधर मैं तो खोलता ही नहीं, इसको होती भी है मैं फिर भी नहीं खोलता बिल्कुल बीच में। अभी 5-6 महीने से शुरुआत के टाइम में जो मोबाइल से ब्लॉगिंग कर रहे हो तब आपको तो मतलब अगर एक बाइक कर रहा था मतलब ऐसे ब्लॉगिंग कर रहे में तो साइड से एक जा रहा है तो उसको भी नजर जा रहा है मेरा, क्या सोच रहा है उस टाइम को कैसे मतलब आप फेस देखो एक्टर्स भी जब कोई सेट होता है या कहीं पब्लिक में शूट कर रहे होते हैं तो उनको किसी से लेना देना नहीं है, सामने आ जा रहे हैं तो अपना काम देखो कैमरे के बीच में, क्योंकि वो तुम्हारा काम है, लोग आएंगे। जैसे बिजनेस में भी होता है, अगर तुम अच्छा कोई काम कर रहे हो तो कॉम्पिटिटर भी आ जाते हैं, तो तुम अपना काम करते रहो, जनता करना जैसे कर रही है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है न्यू मतलब जो सोच से एक अभी आदत पड़ जाएगी कुछ टाइम में, जब लगातार करोगे तो फिर कैमरे में फिर वो और एक बात आ जाता है कि वो देखेगा वो कमेंट गाली दिया
क्या सोच रहा है? मैं तो कह रहा हूँ अपना काम करते जाओ, ये मतलब दुनिया अपना काम करेगी, थोड़ा दुनिया को भी करने दो। कुछ तो लोग कहेंगे तो गाइस ये बी बीटीआर बॉर्न टू राइड यूट्यूब चैनल बाइक के साथ मीटअप आर्ट ऑफ मोटरब्लॉग मोटरसाइकिल। तो ये सब्सक्राइबर लोग अभी आधे टाइम ब्लॉक कर रहे थे ना, ये मोबाइल से ऐसा क्या वीडियो कर रहे थे। अच्छा इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म लाइक व्हेन अ पर्सन लाइक यू टेल्स टू पीपल हु आर स्टार्टिंग न्यू बिना उंगली कटे हुए कोई खाना पकाना नहीं सीखता है। गैस का सिलेंडर होता है वो भी बस्ट होता है, मगर पका के तो घर पे खिला रहे हैं ना। कोई वो डेंजरस है करके कोई भूखे तो नहीं सो रहे हैं। मोटरसाइकिलिंग भी ऐसी है, कोई बिना गिरे तो गाड़ी चलाना सीखता नहीं है, समझ में आ रहा है? गिर गए तो डरने का नहीं है, गिरने के बाद जो उठ के चलाते हैं ना वही तो असल। योर कमेंट अबाउट लाइक द गियर्स विच आर वेरी एक्सपेंसिव, सो जैसे कोई नया राइडर शुरू करता है, राइड शुरू करता है तो काफी टफ पड़ता है उसके लिए, कि बड़ी मुश्किल घर वालों को कन्विंस करके बाइक ली, स्कूटी ली, फिर उसके बाद वो कहते हैं सेफ्टी सबकी प्रायोरिटी होती है, सो उसमें फिर गियर्स इतने महंगे हो जाते हैं। सो उसके लिए आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव, या फिर आप कहोगे कि धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप तुम आगे बढ़ो? आपको एक चीज यहाँ पर मैं बोलना चाहता हूँ, चाहे हेलमेट रहो सेफ्टी गियर का, या राइडिंग जैकेट रहो, या अपना मतलब राइडिंग गियर्स रहो, यू डोंट गेट क्वालिटी इन चीपर प्राइस। यू डोंट गेट क्वालिटी इन चीपर प्राइस, क्वालिटी कम्स विद एन टैक्स। सो फर्स्ट थिंग ऑन मोटरसाइकिलिंग, बिकॉज वी आर ऑन टू व्हील्स, वी आर नॉट ऑन फोर व्हील्स विच आर बैलेंस्ड, एंड इट इज फर्स्टली इट इज नॉट एक्सपेंसिव और लो एक्सपेंसिव, इट इज आर सेफ्टी। Like a normal helmet, today you tell us, like all our motorcyclists and bikers itself, how many kind of certifications we get in helmets, the basic knowledge of helmets. ISA is what we know in India. Dot. Snell. So what is the difference? Why do we get different kinds of like certification? Due to its quality. It is going to take that impact on your helmet shell. And it is going to keep you safe. The lesser the quality, the lesser the price. So how you are going to convince your parents on the safety, and you make them sure that you are a responsible rider. You are a responsible rider. When you convince your parents telling that you are not that person who is just like acting and going and wheelie or being irresponsible. First thing, take them into the confidence. Whatever I am buying, it is expensive because it is going to protect me, my life, my head, my elbows, and my knees. So once you explain in a proper way, and then make them feel that you are a responsible rider, 100% there, nobody sees what price it is. Today we are okay to buy an apple. Why? Because of quality. Quality and style statement. But why not for our riding gears here? Why are we unable to make them convince on that? It's just what we want. If we want something, we can convince them. If we don't want, we want to be blaming that it is going to be expensive, it is going to be dangerous, and it is uncomfortable riding a motorcycle. I get sweat on summer. All these things are just the reason not to do it. So not telling bad about it, okay, they are not from this breed. Let them not do it. Let them do what they want. There are many ways of travel. We are bikers. We like to travel on our motorcycles. So we don't have any problems to tell for the people who are not traveling on motorcycles. So you can convince your parents that whatever you're buying is for your own safety. 100% they will be happy to know that. And take care that you keep that responsibility whenever you're riding. Don't come back with a bad advice. Thank you.
आज हम आए थे एक मीटअप पे, बीटीआर फैमिली मीटअप, तो बेंगलुरु का आसपास जितने भी सारे भाई लोग थे तो सब आए थे, बहुत मजा हुआ। और बीटीआर भाई केक भी काटे अपना। तो गाइज मीटअप हुआ समाप्त और अभी हम चल रहे हैं मेरे रूम पे। अभी हूँ बनारकटा रोड और यहाँ से मेरा रूम करीब 5 किलोमीटर है, तो यहाँ से बस का इंतजार कर रहा हूँ। आज का दिन बहुत अच्छा गया लक्ष भाई के साथ मिलके, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते, अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, नहीं तो डिसलाइक ही सही, और कमेंट में बताना कैसा लगा वीडियो, ठीक है। तो यहीं पे समाप्त करते और डाटा वक्त ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है।